बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी शॉक की। सर्कुलेटरी शॉक क्या होता है? सर्कुलेटरी शॉक, एक मिनट मैं ये बच्चे ऐड कर लूँ। शॉक का मतलब बेटे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ ऑब्वियसली नहीं है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। शॉक का मतलब होता है इनसफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कह लें आप इसको, ठीक है। और डेफिशिएंसी भी जो है वो बड़ी यानी टिका के डेफिशिएंसी है, कोई हल्की फुल्की नहीं है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी शॉक का मतलब ये है कि सर्कुलेशन बेसिकली फेल हो गई है अपना काम करने में। सर्कुलेशन का काम क्या होता है, ये अब आना चाहिए, मैं ख्याल पूरा हमने यूनिट कर लिया है। सर्कुलेशन का काम क्या होता है एक जुमले में कौन बताएगा? Anyone? सारे खामोश हो गए। वेरी गुड, शाबाश। सप्लाई, टू सप्लाई ब्लड, बिल्कुल एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, वेरी गुड। तो ब्लड को सप्लाई करना सारी बॉडी, सारे टिश्यूज को, ताकि वो उनको फूड सबस्ट्रेट मिल जाए, उनको ऑक्सीजन मिल जाए और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रिमूव हो जाए, ठीक है। ये है जनाब सर्कुलेटरी, ये सर्कुलेशन का काम है। और जब वो ये नहीं कर पाती तो हम कहते हैं सर्कुलेटरी शॉक हो गया, ठीक है। अच्छा, सो ये उसकी डेफिनेशन है, जनरलाइज्ड इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी सो दैट टिश्यू नीड्स आर नॉट मेट, ठीक है। यानी इनएडिक्वेट कभी कभार हो जाता है, लेकिन इनफ होता है कि टिश्यू नीड्स हो जाती हैं पूरी। लेकिन शॉक उस वक्त होता है, शॉक उस वक्त होता है जब ये इनएडिक्वेट जो ब्लड फ्लो है ये इतना हो जाए कि टिश्यू नीड्स मीट को मीट ना कर पाए, तब हम कहते हैं कि सर्कुलेशन शॉक में गई, ठीक है। अच्छा, अब जब पेशेंट आपके पास आएगा ना शॉक का, तो उसमें दो चीजें होंगी। एक चीज जो खुद इसकी है, इंपेयर्ड परफ्यूजन ऑफ ब्लड टिश्यूज, यानी जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, इनएडिक्वेट होता है ब्लड टिश्यूज में, तो उसके कुछ नतायज होते हैं। तो एक जो सिम्टम आपको नजर आएगा या साइन नजर आएगा पेशेंट में, शॉक वाले पेशेंट में, वो इसका होगा। किसका होगा? इम्पेयर्ड परफ्यूजन ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी एक्चुअल इशू जो हो रहा है उसके साथ। दूसरा मजे की बात आपको क्या नजर आएगा, वो नजर आएगा कि बॉडी जो है वो फाइट कर रही है। तो दूसरी जो चीज नजर आएगी आपको वो है बॉडी का की अटेम्प्ट इस शॉक से निकलने की, ठीक है। सो वंस अगेन, दो चीजें आपको इसको मैनिफेस्टेशंस कहते हैं बेटे। तो एक शॉक का पेशेंट जब आता है तो आपको दो चीजें नजर आती हैं उसमें। एक, शॉक ने क्या तबाही मचाई हुई है बॉडी टिश्यूज में, ठीक है, उसकी वजह से जो मामलात हो रहे होते हैं, सिम्टम्स और साइंस, ठीक है, वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। दूसरा फिर आपको नजर आएगा कि बॉडी ने जो उसको रेस्क्यू कर रही है बॉडी थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और फ्लूइड रिटेंशन ऑफ द किडनी से, थोड़ी देर बात करते हैं। तो दूसरी चीज आपको जो नजर आएगी वो इसकी वजह से नजर आएगी। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात। तो अगर ब्लड लॉस हो गया है और ब्लड लॉस इतना हो गया है कि सर्कुलेटरी शॉक हो गया, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि वो स्किन के वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और ब्लड को डाइवर्ट करेगा टूवर्ड्स वाइटल ऑर्गन्स। ये कल हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसके नतीजे में स्किन को क्या होगा आपके ख्याल में? जब स्किन के जो वेसल्स हैं कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, वहां पे ब्लड की तरसील को कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया, तो स्किन को क्या होगा? हो गया कम, इसका नतीजा क्या निकलेगा? ना ना ना, अनीमिया नहीं बेटे, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप जब स्किन को हाथ लगाओगे, स्किन ठंडी होगी गर्म होगी? कोल्ड होगी, ठंडी हो जाएगी। दूसरा, दिखने में कैसी होगी, कलर कैसा होगा उसका? पेल नहीं हो जाएगा? पेल हो जाएगा ना, मतलब तो रेड या अच्छी जो कलर है उसका, नॉर्मल कलर तो नहीं रहेगा, उसका कलर हल्का हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये सर्कुलेटरी शॉक के पेशेंट का एक आप समझिए अपीयरेंस होती है, ठीक है, पेल होता।
अपेयरेंस हो गई ना ये सर्कुलेटरी शॉक का पेशेंट आया ब्लड लॉस के साथ, तो उसकी जब आपने स्किन को टच किया तो वो कोल्ड थी, नॉर्मली कोल्ड नहीं है, और ब्लू भी होना शुरू हो जाएगी बेटे जब अगर इसके शॉक को हमने ट्रीट ना किया तो। फिलहाल अगर फ्रेश फ्रेश शॉक है तो उसकी स्किन पेल होगी, वाइट वाइट से नजर आएगी आपको, पेल नजर आएगी, ठीक है, अगर वो क्लियर स्किन है, अगर डार्क स्किन बंदा नहीं है तो, ठीक है। सो ये है उसकी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। चलो अच्छा, अब जरा थोड़ी सी बात, ये अब हार्डकोर फिजियोलॉजी है, ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेस की, ठीक है। कॉजेस क्या होते हैं शॉक के? अब कॉजेस को मैंने डिवाइड किया है दो सेक्शंस में, ठीक है। एक सेक्शन है जिसमें कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न दोनों कम हो जाती है, इसकी वजह से शॉक होता है, यानी ये वजह बनता है शॉक की, ये चीज कार्डिक आउटपुट का कम हो जाना और वीनस रिटर्न का कम हो जाना ये वजह बनता है शॉक की। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है कि जब ये वाला मामला ना हो, यानी इसका ताल्लुक जो है वो कार्डिक आउटपुट या वीनस रिटर्न से ना हो तो वो भी शॉक हो जाया करता है, वो ये वाले शॉक्स होते हैं, ठीक है। अलबत्ता जब कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न इन्वॉल्व होते हैं तो वो ये वाले शॉक्स होते हैं। यहां तक बात ठीक है? मैंने भी समझाया नहीं है, मैं सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस किया आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं पहले इस साइड की, ये वाली साइड कि जब कार्डिक आउटपुट गिर गया या वीनस रिटर्न गिर गई उससे शॉक कैसे होता है। अब ये आपको आना चाहिए, अगर मैं कार्डिक आउटपुट को गिरा देता हूं पहले, चलो इस तरह बात कर लेते हैं, कार्डिक आउटपुट के गिरने से शॉक कैसे होगा बताओ। जो ब्लड है उसकी जो आउटपुट है वो कम, वही कम कर दिया आपने, बिल्कुल। तो जब वो कम हो जाएगी तो जाहिर है ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो इतना कम हो जाएगा कि वो नीड्स पूरी ना कर सके तो जाहिर है फिर बंदा शॉक पे चला जाएगा, ठीक है। चल अब अगर कार्डिक आउटपुट के, ये याद रखो, कार्डिक आउटपुट के कम होने की वजह से जो शॉक होता है उसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। ये जब हार्ट अटैक होता है, ठीक है, MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से जब हार्ट अटैक होता है, अगर वो हार्ट अटैक शदीद हो, इतना शदीद हो कि कार्डियक पंपिंग जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाए, तो बेटे उस कार्डियक फेलियर के साथ कार्डियोजेनिक शॉक भी पाया जाता है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर देता, जब हार्ट अटैक हो जाए या चलो कोई और मसला हो जो हार्ट के साथ खुद हो जाए, खुद हार्ट के साथ मसला हो जाए, हार्ट पंप सही ना कर सके जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, उस शॉक को कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं, ठीक है। और बाकी बताएं बच्चे, ठीक है। ओके ठीक है, अब आप गौर से देखें कि हम कहते हैं चलो हार्ट तो ठीक है, हार्ट को मसला नहीं है, मसला वीनस रिटर्न में। आप जानते हैं कि वीनस रिटर्न और हार्ट का चोली दामन का साथ है, यस, कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न का आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है, ऐसा ही है। इस ताल्लुक को क्या कहते हैं बच्चों, मजा आ जाएगा बता दे दो,
कार्डिक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीनस रिटर्न, ये एक लॉ पढ़ा था हमने हार्ट में। याद है किसी बच्चे को? शाबाश अरीज, वेरी गुड मरियम, वेल डन मारुषा, शुक्र है बेटा आपने बता दिया आज फाइनल लेक्चर में, वेरी गुड वेल डन। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये कहता है कि जितनी वीनस रिटर्न आएगी उतना ही कार्डिक आउटपुट उसके लिहाज से एडजस्ट होके उसको इनहेंस कर देगा। तो जितना ब्लड आएगा उतना ही ब्लड पंप कर दिया जाएगा, ये है फ्रैंक स्टार्लिंग। वेल डन क्लास। नाउ हम ये कहते हैं, दोबारा हम शॉक पे आ जाते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई कार्डिक हार्ट ठीक है, हार्ट में मसला नहीं, मसला वीनस रिटर्न में, ठीक है। अंदलीब जी बेटा आपने हाथ रेस किया, अंदलीब अच्छा वो यहां पे आ गया था कि आपने हाथ रेस किया, चलो ओके कोई मसला नहीं। तो वीनस रिटर्न किन किन चीजों में गड़बड़ हो सकती है? अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है, अगर ब्लड लॉस हो गया है, अब ब्लड ही कम हो गया है, 5 लीटर से मिसाल के तौर पर 5.5 लीटर हो गया या 5 लीटर 4.5 लीटर हो गया, ठीक है बहुत ब्लड लॉस हो गया, तो जब वॉल्यूम ही कम होगा तो जाहिर है वीनस रिटर्न कम होगी। जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगी तो जाहिर है कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, जब कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो शॉक हो जाएगा। यस गुड, बिल्कुल इसी तरह अगर अब ये बात जरा थोड़ा देखने वाली है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और मैंने उसमें क्या कहते हैं उसको वीडियो में काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहां मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिले, ये जरा मजे की बात है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड या वेजोजेनिक शॉक क्या होता है, ये आपको मजा आएगा इसमें पढ़ने में। अब जनाब अली ये देखें कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक में ब्लड लॉस कैसे होगा। बेटे एक्सीडेंट हो गया बंदे का, ब्लड लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है, या जल गया बंदा तो उसका फ्लूइड लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है, इस तरह ब्लड लॉस होता है। अच्छा चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव या वेजोजेनिक शॉक। अब हार्ट भी ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक है, फिर भी वीनस रिटर्न कम है। हार्ट भी ठीक है, सही काम कर रहा है, सही पंप कर रहा है, और आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी फर्स्ट क्लास है, लेकिन फिर भी शॉक हो गया, ये शॉक डिस्ट्रीब्यूटेड या वेजोजेनिक शॉक कहलाता है। ये कैसे होता है? वही बेटे मारिया, यही आपका सवाल जो है ना बेटे, ये इस पे फिट कर ले अब आप, ये आपकी बात हो रही है अभी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक बॉडी के अंदर का शॉक है, बॉडी ने गड़बड़ कर दी है। अब वो क्या गड़बड़ है? बाय द वे हार्ट भी गड़बड़ कर सकता है, हार्ट में भी एक्सटर्नल बात तो नहीं थी ना, हार्ट ने फेल होके कोई बहुत ज्यादा कारनामा तो नहीं अंजाम दिया। जब हार्ट फेल हुआ है, कार्डियोजेनिक शॉक की क्या कॉज है? हार्ट इटसेल्फ, बाहर से तो किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव या वेजोजेनिक शॉक भी गड़बड़ सर्कुलेशन की है, जैसे हम अभी थोड़ी देर में इसको देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वेजो मोटर टोन क्या होती है, याद है ये हमने कल परसों पढ़ा है, वेजो मोटर टोन, वेजो मोटर सेंटर याद है बच्चों? वेजो मोटर सेंटर कौन सा मेडुला में होता है? यस वेजो मोटर सेंटर में सिंपैथेटिक एक वो सेंटर होता है उसके अंदर, यस। असल में नहीं बेटे, उसमें एक सेंटर का नाम सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिंपैथेटिक भी होता है, दोनों होते हैं, सिंपैथेटिक जरा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैंने वेजो मोटर टोन का जिक्र किया था, वैसे किया तो था मैंने, अगर मुझे याद है मैंने एक बात की थी वेजो मोटर टोन की,
नहीं की थी, अब सारे शाबाश कह दो कि नहीं की थी, याद खुद को नहीं आ रहा। ये वेजोमोटर टोन की मैंने जिक्र किया था, नहीं किया था? किया था। क्या होती है ये? हाँ निम्रा, वेरी गुड। बात बात ये हो रही थी कि सारे वेसल्स जो होते हैं वो एक खास टोन में पड़े हुए होते हैं, एक खास टोन में होते हैं। जो टोन उनको मिलती है कहां से? वेजोमोटर सेंटर से। यस, वेजोमोटर सेंटर हमें जाहिर है जिंदा है, एक्टिव है, तो उसमें से कंटिन्यूअसली हल्का हल्का वेव्स आ रही होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो वो शराब कर रही होती हैं तमाम सर्कुलेशन को, ताकि पूरी सर्कुलेशन एक वेजोमोटर टोन की कैफियत में रहे, हल्की सी कंप्रेस्ड। ताकि क्यों हम ये करते हैं? वेजोमोटर टोन का फायदा क्या है? ताकि ब्लड प्रेशर बरकरार रहे, ब्लड प्रेशर अपने उसमें रहे, एक खास लेवल पर रहे, सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वेजोमोटर टोन अचानक लॉस्ट हो गई, गायब हो गई, किसी ने प्लग निकाल लिया पीछे से, तो आपका इमीडिएटली ध्यान किधर जाएगा? सर्कुलेटरी फेलियर होगा। कैसे? शॉक या नहीं? शॉक हो जाएगा। कैसे होगा बेटे शॉक? आपने अब ये दोनों कड़ियां जोड़नी है, वेजोमोटर टोन के जाने से शॉक कैसे हो जाता है। बाय द वे, शॉक को डिस्ट्रीब्यूटेड या वेजोजेनिक शॉक कहते हैं। चलो शाबाश, अब मैं चैट देख रहा हूं कौन जवाब देता है इसका। नहीं, हाँ जी, नहीं नहीं करेगा। आप समझे हमने वेजोमोटर सेंटर को सुला दिया, ऐसे समझ लो, डिप्रेस कर दिया। जिसकी वजह से सिंपैथेटिक उसका जो ऑफिस है वो बंद हो गया है, वेजोमोटर टोन लॉस्ट हो गई। ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या होगा? लोअर नहीं, बिल्कुल ही वो बेचारा फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि वेजोमोटर टोन ही लॉस्ट हो गई है, ठीक है ना। तो वो सारा मैसिव क्या होगी? मैसिव मैसिव वेजो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से वेजोमोटर टोन के जाने की वजह से मैसिव वेजो डायलेशन हो जाएगी, होगी नहीं होगी? बाकी बच्चे हो जाएगी। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगा, ऐसा ही है। जब ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाएगा तो वीनस रिटर्न को क्या होगा? ये इधर उधर चलेगी वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न को वो भी लो हो जाएगी। जब बीपी लो होगा, जाहिर है पूरे सिस्टम में आपने प्रेशर नीचे कर दिया है, तो फ्लो भी कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा, बंदा शॉक पे चला जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि किस तरह से मैसिव वेजो डायलेशन की वजह से बंदा शॉक में जाता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड या वेजोजेनिक शॉक।
तो आपको मैंने फ्लेवर देना था कि शॉक के फ्लेवर्स क्या होते हैं। दो फ्लेवर्स हमने कर लिए। अगर हार्ट को हमने झटका दे दिया तो कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, अगर हमने वॉल्यूम को झटका दे दिया हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है, और अगर हमने बाकियों को ना छेड़ा, हमने सिर्फ मैसिव वैसोडायलेशन करा दी जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बिल्कुल ही नीचे आ गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाएंगे, बाकी वो रिकॉर्डिंग में सारी बात डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसको। बेटा मैंने अभी समझाया है सारा, मैसिव वैसोडायलेशन की वजह से बिल्कुल ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, ब्लड फ्लो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। ठीक है मारिया, हाँ ये है ना सवाल करने वाला जोहा। अब होता बेटे ये है कि कभी कभार आप जब एनेस्थीसिया के अंडर करते हो एक पेशेंट को, ठीक है, और उसको बेहोश करने के लिए आप दवाइयां देते हो, एनेस्थीसिया देते हो, सही है ना, तो कभी कभार वो जो एनेस्थीसिया की दवाई है वो ज्यादा लग जाती है, या वो ज्यादा लग जाती है, या पेशेंट जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है नॉर्मल डोज ऑफ द मेडिसिन से, तो वो कुछ ज्यादा ही बेहोश हो जाता है। ज्यादा बेहोश होने से मेरी मुराद ये है कि उसके जो सीएनएस सेंटर्स हैं, आप एनेस्थीसिया में यही करते हो ना, आप सीएनएस सेंटर्स को थोड़ा सा दबा देते हो ताकि उसको पेन फील ना हो, क्योंकि पेन एक्चुअली बॉडी में फील नहीं होती, ब्रेन में फील होती है, ये बात आपको सीएनएस से पढ़ाई जाए। ठीक है, तो जब आप एनेस्थीसिया देके उसके ब्रेन को नम करते हो तो उसको पेन फील नहीं होती, सही है। अब इस केस में आपने या तो दवाई ज्यादा दे दी गलती से, या वो सेंसिटिव ज्यादा था उस दवाई से जो आपने दी, उस केस में जो उसके जो सीएनएस है वो ज्यादा डिप्रेस हो गया। जब सीएनएस ज्यादा डिप्रेस हो गया तो सीएनएस में ही आता है ना वेजोमोटर सेंटर भी, तो वेजोमोटर सेंटर ज्यादा डिप्रेस हो गया, जब वो ज्यादा डिप्रेस हो गया तो उससे फिर ये सारा हिसाब किताब शुरू हो गया। ठीक है, समझ आई? एक और तरीका है, वैसे आपस की बात, मैसिव वैसोडायलेशन करवाने का एक और तरीका है, एनीबॉडी? वो क्या है? जोहा मुझसे पूछ रही हो, मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रही हो, शाबाश, वेरी गुड। है कोई और वैसोडायलेशन कराने का तरीका, मैसिव वैसोडायलेशन एबनॉर्मल वाली? आपने ब्लड अभी नहीं ना पढ़ा, ब्लड पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात, आज आपको छोटी सी बात बताते हैं ब्लड से, ब्लड में आप डिटेल में पढ़ोगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। आपने एलर्जिक रिएक्शन का नाम तो सुना होगा, एलर्जिक रिएक्शन। बेटा जब एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वैसे एलर्जिक रिएक्शन का एक नाम जो मेडिकल नाम है वो ये है, मैं लिखने लगा हूं, मैं इधर लिखने लगा हूं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। इसे ये एलर्जिक रिएक्शन को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन तो लेमन के लिए है ना, जिसको मेडिसिन का नहीं पता, तो आप लोग तो माशाल्लाह हेल्थ प्रोफेशनल हो, आपको तो उसका टेक्निकल नाम पता होना चाहिए। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं इसको एक्चुअली, एनाफिलेक्सिस कहते हैं एलर्जी को, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन को। अगर किसी बंदे में एनाफिलेक्टिक रिएक्शन बड़े शदीद किस्म का हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर आपको डस्ट से अगर एलर्जी है, डस्ट से, गर्द गुबार से, तो जब आंधी चलेगी या ये थोड़ा सा डस्ट वगैरह कहीं से आ जाएगा तो आप छींके मारना शुरू कर देते हो, ऐसे होता है ना, आपकी वो आंखें जो हैं वो सूज जाती हैं, पानी आना शुरू होता है, ये बेसिकली एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है, हल्का फुल्का। ठीक है, किसी को मक्खी ने काट लिया, ठीक है ना, वो उस मक्खी के स्टिंग से एलर्जिक था बंदा,
उसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाता है। हाउएवर कुछ लोगों में ये बड़ा शदीद होता है, वो लोग किसी चीज से आम एलर्जिक नहीं होते, बहुत ही ज्यादा एलर्जिक होते हैं। तो जब वो चीज उनके बॉडी में दाखिल हो जाती है जिससे वो शदीद किस्म का एलर्जिक होते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शन जो होता है ना, ये बड़ा मैसिव होता है। ठीक है, ये सिर्फ छींकों पे और सिर्फ खांसी पे और सिर्फ आंखों की सूजन पे नहीं इतफा करता, ये क्या करता है, ये मैसिव वैसोडायलेशन कराता। ठीक है, तो मैसिव वैसोडायलेशन जब होती है ना, तो उसमें भी वो बंदा शॉक में जा सकता है। ऐसे कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्सिस तो आपने मैंने लिख दिया है, एनाफिलेक्टेड एनाफिलेक्टिक शॉक। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं जनाब। ये खैर ये भी आपका हिस्सा है, एनाफिलेक्टिक शॉक भी आपने पढ़ना है, वो लेक्चर में है। नहीं बेटे, अंदर ही वो और चीज है, वो डायरेक्ट ट्रॉमा है ब्रेन में जो, और आईज में जो कि ब्लड कभी कभार आंखों के आगे आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लू होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाता है, वो और चीज है। ठीक है जी, एनाफिलेक्टिक शॉक कैन लीड टू डेथ, यस, अगर आपने इमीडिएटली उसको रिवर्स ना किया। अच्छा जी, अब इधर आ जाए, ऐसी ऐसी शॉक की क्या कंडीशंस हैं जिसमें ना हार्ट इन्वॉल्व है ना वीनस रिटर्न इन्वॉल्व है। तो अब ऐसी कुछ विटामिन, कुछ थायराइड के मसाइल हैं, कुछ विटामिन्स के मसाइल हैं। ठीक है, किस चीज का बेटे अंदर सेकेंडरी शॉक से कोई ताल्लुक नहीं इसका, किसका, वो जो आंखें आपने बताई थी, आईज जो है ब्लूश होती हैं, नहीं वो ट्रॉमा है, वो आईज का ट्रॉमा होता है जो एक्सीडेंट्स में हो जाता है। ठीक है, ये वो उसकी चीज है, उसका शौक से ताल्लुक है। शौक का ताल्लुक है जब कोई भी शय, किसी भी तरह की कोई चीज सर्कुलेशन का फट्टा बिठा देना ताकि वो बॉडी के नीड्स को पूरा ना कर सके, वो शौक कहलाता है। ठीक है, अच्छा जल्दी से अब ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनको कहते हैं हम हाई मेटाबॉलिक डिमांड या हाई मेटाबॉलिक स्टेट्स। इस केस में क्या होता है कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक नॉर्मल सर्कुलेशन उसका उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, यानी इतनी ज्यादा उनको सबस्ट्रेट चाहिए, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एबनॉर्मल हाई। ठीक है, जैसे हाइपर थायरॉयडिज्म को थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बॉडी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है अपने मेटाबॉलिज्म्स में। ठीक है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन पे लोड पड़ जाता है। जाहिर है अब सर्कुलेशन नहीं, इंक्रीज ब्लड फ्लो करना है ना, ताकि इस टिश्यू को इसकी नीड को पूरा करने की कोशिश की जाए। तो शुरू शुरू में तो वो कर लेता है, लेकिन जब थायरोटॉक्सिकोसिस यानी हाइपर थायरॉयडिज्म अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर जाहिर है सर्कुलेशन का फट्टा बैठेगा और बंदा शॉक हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल से इन दोज वीडियोस, तो वो आप देखना। वेरी वेरी एक विटामिन बी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि हाई मेटाबॉलिक डिमांड हो जाती है, बाकी सारा मामला ठीक होता है, सर्कुलेशन वगैरह सब फर्स्ट क्लास होती है, लेकिन टिश्यूज में ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं जिसकी वजह से सर्कुलेशन प्रेशर आ जाता है और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे, फौरन नहीं, लगातार अगर रहे, इसको ट्रीट ना किया जाए तो वो शॉक में चला जाता है। ठीक है, चलो अब शॉक की स्टेजेस हैं। एक नॉन प्रोग्रेसिव शॉक है, स्टेज है। यहाँ पे ये है कि अगर अभी अभी शॉक शुरू हुआ है, इसको कंपनसेटेड स्टेज भी कहते हैं, अगर आपने अभी थेरेपी वगैरह इसको दे दी है तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये यहीं से फिर इसकी रिकवरी शुरू हो जाती है, इसी स्टेज से ये आगे नहीं जाता। रिमेंबर, इसने ये पूरी टाइमलाइन है, बेसिकली ये टाइमलाइन है। अगर आप इस एरो में नीचे जा रहे हैं, यानी बच्चे भी साथ साथ एंटर हो रहे हैं, यानी ये एक स्टेज है, फिर ये एक स्टेज है, फिर ये एक स्टेज है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वो कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। तो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज जो है वो सबसे पहला दर्जा है शॉक का, स्टेज है। यहाँ पे अगर थेरेपी हो जाए या पेशेंट स्टेबल हो जाए तो सबसे ज्यादा चांस उसके बचने का इस स्टेज पे। प्रोग्रेसिव स्टेज में, अच्छा नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में थेरेपी भी इतनी कोई इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ आपने वेट करना होता है, बॉडी खुद ही अपने कंपनसेशन के मैकेनिज्म को अप्लाई करके बंदे को ठीक कर लेती है, अपने आप को ठीक कर लेती है।
ठीक है। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, इसमें थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, और ये वो स्टेज है याद रखें जहाँ पे आप लोग और डॉक्टर्स का जिक्र होगा कि अगर शॉक मंदा आता है तो ये अगर प्रोग्रेसिव स्टेज है तो उसमें फिर आप थेरेपी लगाएंगे उसको अप्रोप्रिएट, जो भी अप्रोप्रिएट उसके लिहाज से, क्योंकि इस स्टेज, ये स्टेज जो है ये रिस्पॉन्ड करती है थेरेपी को। अगर थेरेपी दी जाए तो इस स्टेज पे वो बंदा बच सकता है। हाँ, अगर आप ना दें तो ये स्टेज आगे चली जाती है और वो ये बन जाती है। या तो वो फॉरन डेथ कराएगी या वो इरिवर्सिबल स्टेज में घुस जाएगी, बन जाएगी इरिवर्सिबल स्टेज। इरिवर्सिबल स्टेज में क्या होता है, वेरी ब्रीफली, मैं सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा, सारे डिटेल में आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जाना चाहो तो पढ़ने की कोई कैद नहीं है बेटे, एक्स्ट्रा जितना चाहे पढ़ो, लेकिन एक चीज़ है जो इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो ये कि आपको कम अज कम ये स्टेजेस का बताओ, लेकिन डिटेल का बेशक ना बताओ। तो इररिवर्सिबल स्टेज का मतलब ये है कि अभी तक कोई ऐसी थेरेपी नहीं निकली कि वो इररिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक को रिवर्स कर सके, इसलिए हम इसको इररिवर्सिबल स्टेज कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको इररिवर्सिबल स्टेज कहते हैं। इसमें बंदे की जो लाइफ बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, अनलेस कोई मिरेकल हो जाए और वो डेथ उसकी कंफर्म होती है। कोई बात नहीं बेटा, ये अभी रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा आपके पास, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो बेटा जी, तीन स्टेजेस हो गई, कौन कौन सी, नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, इररिवर्सिबल, ठीक है। चलो, ये फिर वो इररिवर्सिबल ही का आगे कंटिन्यू किया। अब हम टाइप्स पे आ जाते हैं, ये आखिरी पॉइंट है। टाइप्स ऑफ शॉक, ये काफी पूछा जाता है, ये जो है ना, ये मेन टॉपिक है बेसिकली, इस टॉपिक का मेन टॉपिक ये है, टाइप्स क्या क्या होती है, ठीक है। अब एक जो टाइप है वो है हाइपोवोलेमिक, आप समझ सकते हैं हाइपो यानी हाइपो वॉल्यूमिक, वॉल्यूमिक के डिक्रीज हुआ, ये कम हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसमें क्या क्या कॉजेस हो सकती हैं, इसमें कॉज हो सकती है, हाँ, लो वॉल्यूम के बिल्कुल कॉज, हेमरेज हो गया, ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गई, बर्न हो गया, या इतनी ज्यादा वॉमिटिंग और डायरिया हो गया कि फ्लूइड लॉस हो गया उसमें, ठीक है। बच्चों में डायरिया जो है वो बहुत कॉमन कॉज है, छोटे बच्चों में वो बहुत कॉमन कॉज है शॉक में जाने की। तो अगर आप एक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो लुक आउट फॉर डायरिया। अगर छोटा बच्चा है उसको बहुत डायरिया है तो वो शॉक में जा सकता है, इसलिए उसका फ्लूइड बैलेंस करना बहुत जरूरी है और डायरिया की कॉज तलाश करना, उसको रोकना बहुत जरूरी है। बच्चों, छोटे बच्चों में डायरिया जिंदगी मौत वाला मामला होता है उनके साथ, ठीक है। बड़ों में भी हो सकता है लेकिन बच्चों में ज्यादा, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनका जो ECF वॉल्यूम है वो छोटा होता है तो वो डायरिया से ज्यादा उनको इफेक्ट होता है, ठीक है। बर्न्स में याद रखना, हेमरेज और बर्न्स में जो वॉल्यूम का लॉस होता है उसमें फर्क क्या होता है। हेमरेज ट्रॉमा सर्जरी में होल ब्लड लॉस होता है, ये जो तीन है इसमें होल ब्लड लॉस होता है, ठीक है। बर्न्स में क्या होता है, एक जगह जल गई है, कभी हाथ जला है बेटे चूल्हे पे जलाते हुए या कोई वैसे ही, तो आपने देखा होगा कि वहां आबला सा बन जाता है, ऐसे ही है ना, स्वेलिंग सी हो जाती है, एक आबला सा बन जाता है, पानी पानी सा निकलता है वहां से, ऐसा है। अच्छा, इतनी बार अपना मुस्कान अख्तर, बी केयरफुल बेटे, ब्राउन सा कलर सा फ्लूड आया था ना, वो ब्लड तो नहीं ना होता, हाँ मरियम वेरी गुड, ये सीरम होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है, एक्चुअली प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये बड़ा सीरियस मामला होता है, हो जाता है अगर बर्न ज्यादा हो, तो याद रखें होल ब्लड बर्न में लॉस नहीं होता, यानी रेड ब्लड सेल्स और सेल्स वगैरह नहीं आते, लेकिन जो प्लाज्मा होता है ना वो फारिग होना शुरू हो जाता है, तो बंदा प्लाज्मा के लॉस की वजह से भी शॉक में जा सकता है, ठीक है। ये मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, बात की थी वेजोमोटर टोन की, डीप एनेस्थीजिया, ब्रेन डैमेज या सिवियर एनेस्थीजिया की ओवरडोजेज की वजह से, ठीक है। तो इसको न्यूरोजेनिक शॉक भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी होता है, न्यूरोजेनिक भी कहते हैं। अगर उसका ताल्लुक CNS से है तो उसको न्यूरोजेनिक कहेंगे, ठीक। तो इस ये जो इंक्रीज वैस्कुलर कैपेसिटी का मतलब है, तो
तो न्यूरोजेनिक शॉक की बेटे बात कर रहे थे, ठीक है ना, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है, उसकी एक किस्म है। बुनियादी तौर पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है ना, ये वेजोजेनिक शॉक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव या वेजोजेनिक शॉक, इसकी आगे फिर टाइप्स होती हैं, ठीक है। शॉक लिखने की कोशिश की थी, वो कुछ और लिखा गया है, शॉक है ये, ठीक है ना। तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, अगर उसकी वजह सीएनएस बने तो उसको न्यूरोजेनिक शॉक भी कहते हैं, ठीक है। और अगर सीएनएस उसकी वजह नहीं है तो उसको आप सिंपल कहेंगे जी ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। अगर उस डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की वजह एनाफिलेक्सिस है, जैसे मैंने अभी जिक्र आपसे किया, तो आप उसको उस डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को एनाफिलेक्टिक शॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कई वो हैं शक्लें, एक न्यूरोजेनिक शॉक है, फिर एनाफिलेक्टिक शॉक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये देखो एनाफिलेक्टिक शॉक आ ही गया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है। ये बात आपको समझ में आएगी कंप्लीटली जब आप या तो ब्लड देख लोगे, ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ लोगे, या फिर वो वीडियो मेरी देख लोगे, ठीक है। इसमें कंप्लीट डिस्कशन वो है अवेलेबल है इंशाल्लाह, आप देख लेना। बेसिकली ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है, जो बड़ा ही मैसिव किस्म का होता है, ये हल्का फुल्का नहीं होता, ये बड़ा सीरियस किस्म का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो सेल्स वेजो डायलेशन कराते हैं, वो एक कंपाउंड, एक हिस्टामिन है जो निकलता है बेसोफिल्स और मास सेल्स से, ठीक है। ये फिर जो है ना, ये फिर हर जगह, ये देखें आप, हर जगह इन्होंने डायलेशन करा दी है, इसकी वजह से वीनस रिटर्न भी डिक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है और काम खराब होता है, ठीक है। सेप्टिक शॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट शॉक की टाइप है ये सेप्टिक शॉक। सर से एनर्जी ब्लड की वजह से होती है, मारिया ये बेटे ये इससे लिंक नहीं है, ठीक है, हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक आपको, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी है तो ज्यादातर अगर शॉक के पेशेंट्स हैं आपको जो आएंगे इमरजेंसी में, वो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है, ये बात याद रखना। हाइपोवोलेमिक शॉक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शॉक्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। और अगर आपकी वार्ड में ड्यूटी लगी हुई है, हॉस्पिटल के अंदर लगी हुई है, तो सेप्टिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन शॉक, ठीक है। सेप्सिस भी इसको कहते हैं कि जी आप डॉक्टर से सुनेंगे इसको सेप्सिस हो गई है, ठीक है। वो बात ये होती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा बंदे को, ज़्यादातर ये ओल्ड पेशेंट्स में और एडमिटेड पेशेंट्स में होता है, जो एडमिट हुए होते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो काबू नहीं आ रही होती, वो ब्लड में चली जाती है, टिश्यू से वो ब्लड में जाती है। जब वो ब्लड में जाती है तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ब्लड हर जगह जाता है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन एक जगह था, किसी एक ऑर्गन में था, ठीक है ना, वो वहाँ के कैद था, वहीं पे लिमिटेड था, लेकिन अब वो ब्लड में चला गया। अब ब्लड तो जाहिर है हर जगह घूमता है, तो ये फिर इन्फेक्शन जो है ये बाकी बॉडी में डिसमिनेट होगा, फैलाया जाएगा, ब्लड फैलाएगा इसको। जब ये कंडीशन हो जाती है तो उसको कहते हैं सेप्टिक शॉक, ठीक है। सेप्टिक शॉक इज द मोस्ट, बिल्कुल बेटे शाबाश सहर, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ये बिल्कुल नोटोरियस है सेप्टिक शॉक कराना, ये बहुत अग्रेसिव है, ये यूजली एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और स्टैफ ऑरियस खासतौर पर, स्टैफलोकोकस ऑरियस बहुत नोटोरियस है, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, कि जहाँ पे ये इन्फेक्शन अब ब्लड उसको रोटेट कर रहा है बॉडी में,
तो जहां जहां ये जाएगा वहां वहां इम्यून सिस्टम भी रिएक्ट करेगा कि भाई ये कौन घुसा आया है अंदर, ठीक है ना। तो जहां वो एक जगह था और एक जगह इम्यून रिएक्शन हो रहा था, वहां वो अब मेनी एरियाज ऑफ बॉडी में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर जगह से उसको इम्यून रिस्पॉन्स आएगी, तो वो एड होके एक बहुत ही मैसिव किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स बन जाता है। ये बात समझ में आई है? ये एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स कैसे बनता है? गुड, अच्छा। तो बस उसकी वजह से जनाब यार ये फीवर हो जाता है, वाइड स्प्रेड वैसोडायलेशन हो जाती है, हाई कार्डिक आउटपुट हो जाता है, डिसमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन हो जाती है, मतलब मुख्तलिफ चीजें हो जाती हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है वो ये कि इसमें भी वैसोडायलेशन होती है, ठीक है, क्योंकि जहां जहां बेटा याद रखो इम्यूनिटी का जिक्र आ गया वहां पे आपने वैसोडायलेशन करानी है, चाहे वो एनाफिलेक्टिक शॉक हो चाहे वो सेप्टिक शॉक हो। ये बात याद रखना, दोनों में सेप्टिक और एनाफिलेक्टिक शॉक में वैसोडायलेशन होते हैं, ठीक है। और ये उसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये देख लेना, अगर पढ़ लेना एक दफा, ये कुछ इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। ओके, लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, शायद आपकी किताब में हो ये लफ्ज हो, कि जी वार्म शॉक किसको कहते हैं और कोल्ड शॉक किसको कहते हैं? एनी आइडियाज कि ये क्या बात हो रही है, ये वार्म शॉक से क्या और कोल्ड शॉक से क्या मुराद है? अच्छा, यूजली क्या होता है कि जो शॉक का पेशेंट होता है ना, आप जब उसको हाथ लगाएं उसकी स्किन को, तो या तो वो कोल्ड होगी या वो वार्म होगी, यानी नॉर्मल या हल्की सी आपको बुखार सा महसूस होगा, बंदा शॉक में होगा। हाँ अंदरीब, यस, बॉडी या तो वार्म होगी यानी बुखार की कैफियत होगी, या वो कोल्ड पड़ी हुई होगी। तो याद रखें, अब मुझे बताएं हाइपोवोलेमिक में कोल्ड होगी या वार्म होगी? हाइपोवोलेमिक में क्या होगा बेटे? कोल्ड होगी। शाबाश, वेरी गुड। व्हाट अबाउट एनाफिलेक्टिक? वार्म होगी। क्यों क्यों वार्म होगी? शाबाश, वेरी गुड, वैसोडायलेशन की वजह से होगी, वेरी गुड। What about septic shock? Septic shock में क्या होगा? Warm होगी, very good। क्यों warm होगी बेटे? मारिया अपना, sorry, cold किसने कहा? जोहा, अभी हमने किया है। Infection vasodilation कराएगा, बिल्कुल, और इन्फेक्शन में बहरल बुखार भी होता है ना इन्फेक्शन में, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक में एक्चुअली उसको बुखार की कैफियत ज्यादा होगी, क्योंकि एक तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से बुखार होगा, दूसरा ये कि उसको वैसोडायलेशन भी हुई है, तो दोनों तरफ से आपको वो वार्म मिलेगा, ठीक है। चलो, विद दिस वी कंक्लूड इंशाल्लाह सर्कुलेशन, और उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जब भी आप चाहें आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कल आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसका नाम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स रखा है, तो वहाँ पे सारे जो आपसे रिलेटेड लेक्चर्स हैं ना वो सारे वो उस एक प्लेलिस्ट में हैं। तो